अबे ओ मकरदास, मकरदास के बच्चे कहाँ मर गया है? अभी तक बैरिस्टर साहब नहीं आए। जी हुजूर, हुजूर पैगाम तो मैं दे आया था, बस आते ही होंगे। आखिर आज उनकी जरूरत क्यों पड़ गई? कोई मुकदमा है? मकरध्वज, बड़ा सीरियस मुकदमा है। क्या हुआ? होना क्या है, जरा करीब आओ। मकरध्वज, तुम ठहरे मेरे पुराने वफादार, मैं तुमसे कहता हूँ, तू आगे किसी को ना बता रहा है। नहीं, मैं काशी जा रहा हूँ। लौटिएगा कब तुम? अरे अब मैं बिल्कुल नहीं लौटूंगा, मैं संन्यास ले रहा हूँ। जी, इस बड़ी जवानी में संन्यास? मकरदार, एक तुम ही हो जिसने मेरी जवानी को पहचाना है। बात यह है कि इस पापी संसार से मेरा दिल भर गया है। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। मकरदार, जरा करीबा करीबा, मैंने बहुत कुछ तमाशा देख लिया है, अब तो सिर्फ राम नाम से लौ लगाने की इच्छा है। भजमल राम रहीम, राम रहीम कृष्ण करीम, राम रहीम कृष्ण करीम, भजमल राम रहीम। राम आ गए। ओह बैरिस्टर साहब, आप आए हैं, बहुत देर आपका इंतजार किया, तशरीफ रखिए। कहिए, कोई जरूरी काम था? हाँ बैरिस्टर साहब, बहुत जरूरी काम है। मैं वह मकरदाज जी, काफी ला बैरिस्टर साहब के लिए। मैं वसीयत करना चाहता। वसीयत? आपको ये जरूरत क्यों पड़ी? इकलौता बेटा तो है आपका। ओह बैरिस्टर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बगैर इजाजत तुम यहाँ क्यों आए हो? देखते नहीं मैं एक बहुत प्राइवेट काम कर रहा हूँ, यानी कि वसीयत लिखवा रहा हूँ। वसीयत? ऐसा क्यों पिताजी? तुम कौन होते हो पूछने वाले? जाओ और जाकर अपनी बीवी के सैंडल पॉलिश करो, लड़की देखेंगे। तो हाँ बैरिस्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि अपनी आधी जायदाद यतीमखाने के नाम कर दूँ, और जितना बैंक बैलेंस है वो मकरध्वज को दे दूँ, पुअर मकरध्वज, और बाकी आधी जायदाद का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा चांद के लिए। पिताजी पिताजी, मेरे लिए सिर्फ 1/3 हिस्सा। चुप रहो वरना 0/0 कर दूंगा, लड़की देखेंगे। तो हाँ बैरिस्टर साहब, 1/3 हिस्सा शहर में बच्चों के लिए वर्दिश का अखाड़ा खोलने के लिए, ताकि आइंदा कभी चांद जैसे कमजोर बदन और कमजोर दिमाग बच्चे पैदा ना हो। पिताजी आपको क्या हो गया है? आप संन्यास ले लेंगे तो हमारा क्या होगा? अरे मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या होगा। कुछ दिनों मेरी छोड़ी हुई दौलत से तुम अंग्रेजी सिनेमा देखोगे, बीवी को साथ लेकर क्लब में डांस करोगे, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर हवा खाओगे बेटा, फिर याद करोगे अपने सन्यासी पिता को, और वो भी रो रो कर। पिताजी मुझे आपके सहारे की जरूरत है, आपके बगैर पिताजी मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। और अगर मैंने संन्यास ना लिया तो तुम्हारी बीवी के हाथों मेरा बुढ़ापा मट्टी में मिल जाएगा। हुजूर सलामत रहे आपकी जवानी। ये आपने क्या कहा? अरे मकरदाज, ऐसे ही मुंह से निकल गया। माफ कीजिएगा बैरिस्टर साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठेकेदार साहब, जल्दी ना कीजिए, जरा सोच विचार कर लीजिए, आखिर इकलौता लड़का है आप। हाँ जी बैरिस्टर साहब, ऐसे दो भी होते तो क्या कर लेते। बैरिस्टर साहब आप अपनी हमदर्दी अपने पास रखिए, वसीयत का कागज तैयार कीजिए और फीस लेकर तशरीफ ले जाइए। बहुत अच्छा ठेकेदार साहब। हाँ। मैं एक दुरुस्त कागज तैयार कर लूंगा। हाँ जी हाँ, ठीक है। आदाबर। आदाबर।